तो गाइस कैसे आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। गाइस स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग माइनक्राफ्ट का स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो मैंने दो तीन दिन से जो वीडियो डाल रहा है उसमें माइनक्राफ्ट के शेडर आप लोगों को मिल जाए जो कि लो एंड डिवाइस के लिए। तो फिलहाल मैं माइनक्राफ्ट स्ट्रक्चर का वीडियो लेके आ गया जो कि ये वाला वीडियो भी आप लोग मतलब ये वाला वीडियो जो देख रहे हो उसमें अब मैंने जो स्ट्रक्चर को यूज़ किया ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग लो एंड डिवाइस में काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि गाइस इसमें आप लोग ब्लॉक्स देख रहे हो काफ़ी ओपी टाइप का आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉक्स देखने को मिल जाने वाला है। ब्लॉक पे काफ़ी सारी बारीकाई करी हुई उस टाइप का आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारे कोबल स्टोन वगैरह सभी ब्लॉक्स को यहाँ पे हम लोग देख ही रहे हो पूरे विलेज में। यहाँ पे काफ़ी सारी जगह पे यूज़ किया गया है लेकिन उसका लुक है वो पूरा इंप्रूव होगा। यहाँ पे जो माइनक्राफ्ट हमारा डिफ्यूल्ट वर्जन में होता है उससे तो काफ़ी हद तक हम लोगों को यहाँ पे चेंजेस मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ब्लॉक का लुक काफ़ी ओपी टाइप का आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को शेडर को डाउनलोड ये वाला है जो एक स्ट्रक्चर है किस तरीके से आप लोग इसको डाउनलोड और किस तरीके से इंस्टॉल करना है वो मैं आगे आप लोगों को वीडियो में दिखाता हूँ। तो यार वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से देना ताकि सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन होता है उसको ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूले जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। मैं हर रोज जैसे ही माइनक्राफ्ट के शेडर स्ट्रक्चर एडवांस का वीडियो डेली बाय डेली लाता रहता हूँ तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। ओके यहाँ पे आप लोग देख रहे हो यार यहाँ पे कोबल स्टोन का लुक भी देख रहे हो काफी ओरिजिनल पूरा आरटीए या एचडीआर आप लोगों को देखने को मिल जाने वाला है। तो वेनिला स्ट्रक्चर इसका नाम इसका डाउनलोड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को इसको इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है जेड आर्चीवर। वो एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगी आसानी से प्ले स्टोर से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और ज्यादा आप लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए मैंने इसका डायरेक्टली लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप लोग वहां से डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते वीडियो को करते स्टार्ट। आप लोगों को मैं फोन के स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ किस तरीके से आप लोग इसको डाउनलोड इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करना ही मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ डाउनलोड करना तो आप लोगों को मीडिया फायर की लिंक मिल जाएगी वहाँ से आप लोग इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए गाइस चले जाते हैं फोन की स्क्रीन के ऊपर। तो यार गाइस वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक जरूर से कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसको ऑल पे क्लिक करना ना भूले जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। चलिए गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चले जाते हैं फोन की स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे ही गाइस यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आ गए हमारे फोन की स्क्रीन के ऊपर यहाँ से आप लोगों को सिंपल से जेड आर्चीवर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इस वाले एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो गाइस आप लोगों को बता दूँ ये एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी आप लोग प्ले स्टोर से इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना और यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड वाले सेक्शन में आ जाना है। डाउनलोड वाले सेक्शन में आ जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को वैनिला स्ट्रक्चर का जो जिप फाइल है उसको ढूंढ लेना है। वी वाली सीरीज में हम लोग इसको चले जाते हैं। ओके तो यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने फाइल्स वैसे डाउनलोड करके रखे हैं क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ बनाने के लिए यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड करते रहता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे पास फोल्डर्स हो गए आप लोगों में आसानी से वो मिल जाएगा तो यहाँ पे मैं फटाफट से उस वाली फाइल को ढूंढ लेता हूँ। ओके तो यहाँ पे यू मतलब यहाँ पे मिल जाएगा वैनिला आरटीएक्स यहाँ पे वैनिला एचडीआर यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। कुछ नहीं करना सिंपल से उसके ऊपर एक बार टैप करना है। जैसे यहाँ पे टैप करोगे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएगा स्क्रॉल डाउन करके मतलब यहाँ पे आप लोगों को फोर्थ नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट का तो वहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को सबसे हाईलाइट में डाउनलोड लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को डिवाइस मेमोरी में चले जाना है। डिवाइस मेमोरी में आ जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आप लोगों को यहाँ पे नीचे आना और गेम्स वाले फोल्डर में आ जाना है। तो ये हमारा गेम्स वाला फोल्डर यहाँ पे आ जाने के बाद आप लोगों को कॉम डॉट मोजांग में आ जाना है। यहाँ पे आ जाने के बाद आप लोगों को रिसोर्स चेक में आ जाना है। यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को क्रिएट न्यू फोल्डर कर देना है और यहाँ पे क्रिएट न्यू फोल्डर करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके इतना करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को अपना माइनक्राफ्ट को ओपन कर लें उसमें कुछ जरूर सेटिंग्स करना होता है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो चले गए चले जाते हैं हमारी माइनक्राफ्ट में। तो जैसे कि गाइस यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आगे हमारे फोन के स्क्रीन के ऊपर मतलब यहाँ पे हम लोगों ने माइनक्राफ्ट को कर दिया है स्टार्ट। अब आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को माइनक्राफ्ट के सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाने के बाद काफी सारे ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और ग्लोबल रिसोर्स में आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों को माई पैक्स में आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों को वैनिला एचडीआर है इसको कर देना है एक्टिवेट। याद रखिएगा इस कोई और शेडर और स्ट्रक्चर आप लोगों ने पहले से इंस्टॉल करके रखा है तो उसको डीएक्टिवेट कर देना क्योंकि इससे आप लोगों की माइनक्राफ्ट लैग वगैरह मार सकती है काफ़ी सारे इश्यूज इसके वजह से आ सकते हैं। तो आप लोग याद रखिए कि जो आप लोगों ने इंस्टॉल किया एक्टिवेट किया है वही वाला स्ट्रक्चर उसके अलावा कोई और हो तो आप लोग इसको डीएक्टिवेट कर देना। उसके बाद आप लोगों को सिंपल से यहाँ पे बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद यहाँ पे हमारा थोड़ा सा वर्ल्ड जनरेट हुआ मतलब लोडिंग ले रहा है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है प्ले कर देना है। प्ले करने के बाद यहाँ से आप लोगों को क्या करना है जिस किसी भी वर्ल्ड में इसको इंस्टॉल करना है एक्टिवेट करना है उसके पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी कुछ इस टाइप के ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को रिसोर्स पैक में आ जाना है माई पैक्स में आ जाना है और वैनिला एचडीआर को यहाँ पे एक्टिवेट कर देना है। इसमें भी सेम टू सेम वही बात आप लोगों को बताऊंगा कि अगर कोई और सेडर और स्ट्रक्चर इंस्टॉल करके रखा है उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए क्योंकि इससे माइनक्राफ्ट हमारी लैग वगैरह मार सकती है। अब कुछ नहीं करना सिंपल से इसको कर देना है प्ले।
बस गाइस यही था प्रोसेस। इतना करने के बाद आप लोग अच्छी तरीके से इसमें वेनिला HDR स्ट्रक्चर को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर समझ ना आए कुछ प्रॉब्लम वगैरह लगे तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूजर नेम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए गाइस यही था आज का ये वीडियो। आई होप गाइस आज का ये वीडियो और आज का ये स्ट्रक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन होता है उसको ऑल पर सिलेक्ट करना ना भूले, जिससे कि जैसे आप लोग ऑल पर सिलेक्ट करते हो तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाएगा और सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सकोगे। चलिए गाइस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं कौन इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।